कोरोना वायरस महामारी का संकट दुनिया के अलग अलग देशों में बढ़ता जा रहा है। इसी महासंकट के बीच जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने मंगलवार को इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। ये इमरजेंसी पूरे देश में नहीं बल्कि कुछ प्रांतों में लागू होगी जहां पर कोरोना वायरस के सर्वाधिक केस आए हैं। जापानी पीएम के ऐलान के मुताबिक ये व्यवस्था एक महीने तक लागू रहेगी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जापान में राजधानी टोक्यो समेत अन्य 5 प्रांत में ये इमरजेंसी रहेगी, जिसके तहत जापान की 44% आबादी इसके अंतर्गत आएगी। इसके अलावा सरकार की ओर से $990 बिलियन के राहत पैकेज का ऐलान किया गया है, जिसके तहत सरकार की ओर से जरूरतमंदों को आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके अलावा जिनका काम